हेलो वॉन्डरर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम सुशील आहिरे है और मैं एक सेल्फ टॉट सिनेमाटोग्राफर और वीडियो एडिटर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो एक प्रो एडिटर से लेके जो बिगिनर एडिटर है सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो तो आपको पता ही रहेगा कि वो एक बहुत ज़्यादा एडवांस्ड प्रोग्राम है। और उसी रीज़न से उसके अंदर भर भर के फीचर्स है और वही रीज़न से कई ज़्यादा फीचर्स हिडन रह जाते हैं। और आज हम लोग वही फीचर्स को एक्सपोज करेंगे सो दैट आपका वीडियो एडिटिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्टर और प्रोडक्टिव हो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। जो मेरा सबसे पहला टिप है वो है फुल स्क्रीन प्रीव्यू। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर आपका एडिटिंग खत्म हो गया है और अगर आपको पूरा सीक्वेंस प्रीव्यू करना है तो जो प्रीव्यू स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इस रीज़न से कई बार आपने जो कलर करेक्शन किया है या फिर सिंपली जो आप प्रीव्यू देख रहे हो वो देखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आप लैपटॉप पे एडिटिंग कर रहे हो तो वो प्रीव्यू स्क्रीन मोबाइल के स्क्रीन से भी छोटा होता है। तो यूजुअली तो आप प्रोग्राम मॉनिटर पे डबल क्लिक करके उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, बट आपने एक चीज़ नोटिस की रहेगी कि वो फुल स्क्रीन में प्ले नहीं होता है। उस रीज़न से मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट किया है कमांड F या फिर कंट्रोल F, जिससे मैं वो प्रीव्यू फुल स्क्रीन में प्ले कर सकता हूँ। तो ये सेम चीज़ करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके आप फुल स्क्रीन सर्च करो और आपको जो शॉर्टकट सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने कमांड F सेट किया है क्योंकि मेरा एप्पल का कंप्यूटर है, सिमिलरली आप भी वैसा ही एक शॉर्टकट सेट कर सकते हो जिससे आप फुल स्क्रीन इजीली प्रीव्यू कर सकते हो। मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो है रेंडरिंग सिलेक्टिव पोर्शन। इसका मतलब मान लो कि आपने एक पूरा वीडियो एडिट कर लिया है बट आपको सिर्फ सर्टन पोर्शन ही एक्सपोर्ट करना है, और वो कोई भी रीज़न से हो सकता है। क्लाइंट ने आपसे पूछ लिया कि उसको एक सर्टन सेक्शन चाहिए, या फिर आपको इंस्टाग्राम पे 1 मिनट वाला सेक्शन डालना है, या फिर टिकटॉक पे, नहीं वो तो बैन हो गया बट आपको मेरा पॉइंट समझ गया, राइट? तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप इन एंड आउट पॉइंट सेट कर सकते हो। तो आप बोलोगे ये तो इतना सिंपल सॉल्यूशन है, ये काफ़ी लोगों को पता है, बट इसमें एक ग्लिच है। तो वो ग्लिच ये है कि जैसे ही आप इन एंड आउट पॉइंट सेट करते हो तो जो आउट पॉइंट है उसके अंदर एक फ्रेम एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब जो आपका नेक्स्ट क्लिप रहेगा उसका एक फ्रेम भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो क्लाइंट के साथ शेयर किया तो वो आपको श्योरली पूछेगा कि ये एक्स्ट्रा फ्रेम क्यों दिख रहा है। तो इसका काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है, वो है फॉरवर्ड स्लैश की कीबोर्ड पे माउस से वो पर्टिकुलर पोर्शन सिलेक्ट कर लो जो आपको एक्सपोर्ट करना है एंड देन फॉरवर्ड स्लैश हिट करो। तो जितना सिलेक्टेड पोर्शन है उतना ही एक्सपोर्ट होगा और जो एक्स्ट्रा फ्रेम आपके इन एंड आउट पॉइंट में आ रहा था वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर आपको मल्टीपल फाइल्स के जगह पे सिर्फ एक सिंगल फाइल ही एक्सपोर्ट करना है तो उससे माउस से सिलेक्ट करो और एक्स हिट करो, उसके वजह से एक इन एंड आउट पॉइंट फॉर्म हो जाएगा और सिर्फ उतना ही एक फाइल एक्सपोर्ट होगा। सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टिप है बट ट्रस्ट मी वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है आई ड्रॉपर टू कलर करेक्ट वाइट बैलेंस। जब भी आपको कोई वीडियो का वाइट बैलेंस ठीक करना हो तो आप टेम्परेचर पैनल में जाके या तो मैन्युअली वो स्लाइडर को मूव करके वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो या फिर आप आई ड्रॉपर टूल यूज़ करके उसको सेट कर सकते हो। सो आई ड्रॉपर टूल से आप फ्रेम में जो भी वाइट कलर है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे अपने आप प्रीमियर प्रो पूरे फ्रेम में जो भी वाइट है उसको प्योर वाइट कर देता है। सो इसके वजह से आपके फ्रेम के जो कलर्स है वो प्रॉपरली दिखना शुरू हो जाते हैं। और ये फीचर्स आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। तो जब भी आप वो आई ड्रॉपर टूल से वो पिक्सल सिलेक्ट करते हो तो आप ये माइंड में रखिए कि वो आई ड्रॉपर टूल सिर्फ एक पिक्सल को एनालाइज करता है और वो जो एक छोटा पिक्सल है वो नॉट नेसेसरी जो आपने सिलेक्ट किया है वो प्योर वाइट हो, तो जो पूरे फ्रेम का वाइट बैलेंस है वो गलत हो सकता है। सो गाइज, ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप एक सिंपल चीज़ फॉलो कर सकते हो, वो मतलब जब आप आई ड्रॉपर टूल यूज़ करते हो तो कमांड या फिर कंट्रोल होल्ड करके रखो। इससे क्या होगा, जब भी आप वाइट बैलेंस सिलेक्ट कर रहे हो तो वो 5x5 सैम्पल एरिया सिलेक्ट करेगा। इसका मतलब जो वाइट कलर पे आप क्लिक करते हो उसके अराउंड के जितने भी पिक्सल्स है वो कंसीडर करेगा। इस रीज़न से आपका जो वाइट बैलेंस है वो ज़्यादा बेटर वे में सेट हो सकता है। गाइस, जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है कॉपिंग कस्टम एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स है, उसमें से एक फाइल का ओपेसिटी मैंने कम किया था क्योंकि उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है उसका विजिबिलिटी मुझे ज़्यादा रखना था। उसके साथ साथ मैंने ये क्लिप को कलर करेक्ट भी किया है और जो नेक्स्ट क्लिप है उसके अंदर मुझे सेम कलर करेक्शन कॉपी करना है बट उसका ओपेसिटी चेंज किए बिना। तो या तो मैं फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करके उसके इफ़ेक्ट पैनल में जाके इफ़ेक्ट को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सो ये तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा बट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट एडिट करते रहते हो और अगर आपको ये सिमिलर कलर करेक्शन के इफ़ेक्ट्स दूसरे फाइल्स पे कॉपी करने रहेंगे तो। सो इसका बेटर और सिंपल वे ये है,
आप फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट करो और कमांड प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस सी हिट करो और दूसरे फाइल पे या फिर जो भी फाइल्स पे आपको ये इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं उनको सिलेक्ट करो और कमांड ऑल्ट प्लस वी दबाओ। सो इससे एट्रीब्यूट पेस्ट करने से पहले आपको ये ऑप्शन दिखेगा जिसमें सिर्फ वही टिक करो जो इफेक्ट आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैं सिर्फ ल्यूमिट्री का ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ कलर करेक्शन का टैब ही इसके ऊपर अप्लाई करना है और मुझे ओपेसिटी इसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। सो गाइज़ ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एडिट कर रहे हो या फिर आपको मल्टीपल फाइल्स पे एक पर्टिकुलर इफेक्ट ही अप्लाई करना हो और दूसरे एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं करने हो तो, और आपको बार बार इफेक्ट पैनल में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। गाइज मैंने कुछ अफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स में यूज़ कर रहा हूँ उसके लिंक्स दिए हैं। सो अगर आपको कुछ बाय करना हो तो आप वो लिंक यूज़ करके बाय कर सकते हो जिससे उसका कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा जो इनडायरेक्टली मुझे हेल्प करेगा आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मेरा जो फिफ्थ टिप है वो है रूलर्स एंड गाइड्स। प्रोग्राम मॉनिटर पैनल पे राइट बॉटम कॉर्नर में आपको एक प्लस साइन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको ये तीन आइकन्स ड्रैग करने हैं, रूलर्स, गाइड्स एंड स्नैप। ये तीन ऑप्शंस एग्जैक्टली फोटोशॉप जैसे ही है। रूलर्स और गाइड से आप लाइन ड्रैग कर सकते हो एंड देन कोई भी टेक्स्ट, लोगो या इमेज को वो गाइड्स को यूज़ करके आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। फिर वही आइकन पे क्लिक करके या फिर शॉर्टकट यूज़ करके आप उसे ऑफ भी कर सकते हो। सिमिलरली स्नैप यूज़ करके आप इमेज या टेक्स्ट आप सेंटर या फिर कॉर्नर में स्नैप कर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी टूल है अगर आपको टाइटलिंग और मल्टीपल इमेज पोजिशनिंग में कंसिस्टेंसी रखनी हो तो। मेरा जो सिक्स टिप है वो है पोस्ट कलर कोडिंग, और मैंने ये हिडन टिप का नाम पोस्ट कलर कोडिंग इसके लिए रखा है क्योंकि अगर आपने मेरे इसके पहले के ट्यूटोरियल्स देखे रहेंगे तो उसके अंदर मैंने कलर कोडिंग का इम्पोर्टेंस बताया था, और उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जब भी मैं कलर कोडिंग करता हूँ तो वो मैं एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले ही कर लेता हूँ। बट फॉर सम रीज़न आप कलर कोडिंग करना भूल गए और एडिटिंग ख़त्म होने के बाद में आपने डिसाइड किया कि आपको इसको कलर कोड करना है, तो ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस में अगर आपको सिर्फ बी रोल को ही कलर कोड करना है तो आप या तो सीक्वेंस में मैन्युअली हर एक बी रोल को सिलेक्ट करके उसको एक कलर कोड दे सकते हो, बट ऑब्वियसली आपसे कोई तो फाइल स्किप हो सकता है। सो उसका एक हिडन टिप है मेरे पास। आपको फाइल में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जनरल सिलेक्ट करना है और बॉटम में डिस्प्ले द प्रोजेक्ट आइटम नेम एंड लेबल कलर फॉर ऑल इंस्टेंसेस को एक्टिवेट करना है। सो अभी आप बी रोल के फोल्डर में जाके जितने भी फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट करो और उसको कोई भी एक कलर लेबल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको येलो कलर दिया तो सीक्वेंस में जितने भी बी रोल के फाइल्स हैं उन सबको येलो कलर लेबल आ जाएगा। मेरा जो सेवन टिप है वो है चेकिंग फाइल एट्रीब्यूट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी और सिंपल टिप है। फॉर एनी रीज़न आपको पर्टिकुलर फाइल्स के डिटेल चाहिए तो आप सीक्वेंस पैनल में जाके या फिर असेंबली पैनल में जाके वो फाइल को सिलेक्ट करो और कमांड प्लस शिफ्ट प्लस एच या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच हिट करो। इससे ये नया विंडो ओपन होगा और आपको वो फाइल के सारे डिटेल्स दिखेंगे, जैसे फाइल का पाथ कहाँ है, मतलब वो फाइल कहाँ पे सेव हुआ है, उसका कोडेक क्या है, फाइल साइज, फाइल रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, आपको सब डिटेल्स इधर मिल जाएंगे। सो गाइज ये टिप आपके लिए तब यूज़फुल है अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपका सीक्वेंस का जो फ्रेम रेट है और जो आपके फाइल का फ्रेम रेट है वो सिमिलर है या नहीं, या फिर जो आपके सीक्वेंस का रेजोल्यूशन है और जो आपके फाइल का रेजोल्यूशन है वो मैच हो रहा है कि नहीं। अगर ये सब आपको डाउट्स है तो ये जो टिप है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो जो मेरा लास्ट टिप है वो है ऑडियो वीडियो ट्रैक हाइट, और ये टिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ करता हूँ। सीक्वेंस पैनल में दो डिवीज़न है, वीडियो लेयर का और ऑडियो लेयर का। सो जब भी आप वीडियो लेयर को एडिट करते हो, फॉर एग्जाम्पल टाइम रिमैपिंग या फिर स्पीड रैम्प के लिए जो ट्यूटोरियल मैंने इसके पहले अपलोड किया था, या फिर ओपेसिटी कंट्रोल करने के लिए, तब आप वीडियो लेयर को वर्टिकली ड्रैग करके एक्सपांड करते हो सो उससे लेयर और अच्छी तरीके से विजिबल हो, और सिमिलरली जब आप ऑडियो पे काम करते हो तब आप ऑडियो लेयर को वर्टिकली एक्सपांड करते हो। सो इसके लिए आप एक प्रीसेट बना सकते हो जिससे आपको वीडियो और ऑडियो लेयर को हमेशा वर्टिकली ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने किया है। अगर मैं कंट्रोल वी हिट कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो लेयर वर्टिकली एक्सपांड हो जाता है, और अगर मैं कंट्रोल ए हिट कर रहा हूँ तो मेरा ऑडियो लेयर वर्टिकली एक्सपांड हो जाता है, तो मैं वीडियो और ऑडियो लेयर को इजीली एडिट कर सकता हूँ। इसे करने के लिए फर्स्ट आप वीडियो लेयर को एक्सपांड करो, फिर सिक्वेंस पैनल में जाके टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन है टॉप लेफ्ट में, वो सिलेक्ट करके सेव प्रीसेट सिलेक्ट करो।
वीडियो लेयर को रीनेम करो और उसको कीबोर्ड शॉर्टकट में जाके 10 में से कोई भी प्रीसेट पे सेव करो। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट में जाके उसको आप कोई भी की से असाइन कर सकते हो। सिमिलरली आप ऑडियो लेयर के लिए भी कर सकते हो। सो गाइज, ये 8 हिडन टिप्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको ये टिप्स अच्छे लगे रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके पास भी कोई हिडन टिप है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर कीजिए। दैट्स इट गाइज, बाय।